सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। बंधन बैंक एक बेहतरीन बैंक, और इस पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। एक जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंद्रशेखर घोष बाबू, उनकी जीवनी के बारे में भी ब्रीफ में बता चुका हूँ जब मैंने बंधन बैंक के पहले वीडियोज़ बनाए थे कि उनकी जर्नी कहाँ शुरू हुई थी। क्योंकि जो MD CEO हैं घोष बाबू, वो एक छोटे परिवार से आते हैं, हलवाई के बेटे हैं, और उन्होंने बहुत कम समय में एक लंबी ग्रोथ की है। उनकी अपनी छोटी सी बंधन करके एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, जहां वो छोटे छोटे व्यापारियों को पैसे दिया करते थे, सब्जी वालों को दिया करते थे, छोटी छोटी गृहणियों को, महिलाओं को दिया करते थे। और धीरे धीरे फिर उनको बैंक का लाइसेंस मिला, और लाइसेंस मिलने के बाद आज ये बैंक अच्छी जगह इस्टेब्लिश्ड है, और इसने गृह होम फाइनेंस को भी अधिग्रहण कर लिया है, ले लिया है। और इसके बजाय उन्होंने HDFC बैंक, जो कि ग्रो होम फाइनेंस HDFC बैंक की सब्सिडियरी है, HDFC बैंक को उसके बदले में उन्होंने 15% की होल्डिंग दी है, ऐसा न्यूज़ में था। अब देखते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग अभी यस बैंक में ही लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन IDFC फर्स्ट बैंक में ही है, बहुत सारे लोगों का HDFC बैंक में भी है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि कुछ बैंकों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें हम जानेंगे इस बैंक में क्या खासियत है। 23 मई 2019, 4 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज है 613 के भाव पे, 14 रुपये की अपसाइड है, जबकि आज मार्केट ऑब्वियसली डाउन साइड है। मार्केट करीब 300 के अंक के आसपास टूटी हुई है, और 52 वीक लो बनाया था 368 रुपये, और 341 का हाई है, तो अपने हाई के करीब पहुँचने वाली है। अब लो कब बनाया था इसने, यहाँ पे बनाया था, मतलब अक्टूबर 2018 में। तो अक्टूबर में जिन्होंने फ्रेश बाइंग की होगी, आज उनको 50% से ज़्यादा का मुनाफा मिल रहा है, या फिर यहाँ पे जब ग्रो होम फाइनेंस को इन्होंने अधिग्रहण किया था तो उस समय भी काफ़ी भाव टूटा था। और फिर इस तरीके से मार्केट कैप है इसके 73,153 करोड़, एक लार्ज कैप की बैंक है, और EPS है 16.36, PE है इसकी 37.48 की, इंडस्ट्री PE 35.55 की, बुक वैल्यू 95, प्राइस टू बुक 6.45, एंड फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, और डिलीवर है ज़बरदस्त 64% के आसपास। एक गुड क्वालिटी कंपनी है, जैसा कि इनका मैनेजमेंट है, जैसा कि इनकी ग्रोथ है या कैपिटल स्ट्रक्चर है। और फाइनेंशियल में देखेंगे कि अभी इनके 2019 के आ चुके हैं। देखिए, दिसंबर क्वार्टर में जहाँ पर इनकी इंटरेस्ट अर्निंग थी, रेवेन्यू 1649 करीब 1650 करोड़ के आसपास, वही मार्च 18 में बढ़ के हो गई 1832 करोड़, जो कि 11.10% के आसपास अपसाइड है। अगर हम इनका देखिए, NPA भी काफ़ी कम है, और यहाँ पे इन्होंने इस क्वार्टर में भी कम किया हुआ है, तो NPA भी इनका काफ़ी कम है, 0.12% की कमी हुई है इस क्वार्टर में, और ग्रॉस NPA में भी 0.37% की कमी हुई। नेट प्रॉफिट में देखो, इनको 96.48% करीब 100% के आसपास इनको प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जो दिसंबर 18 में 331 करोड़ की थी 650 करोड़ की मार्च 19 में हो गई। वहीं हम अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर में भी देखिए, यहाँ पे 35% के आसपास अपसाइड है इंटरेस्ट अर्निंग में, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 67.81% की अपसाइड है, जो कि रिजल्ट बेहतरीन है। तो इस वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स तो अभी आपको पता है बैंक के धराशायी हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के हों, चाहे बैंक्स भी हों, बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। PSU बैंक में तो खैर अभी ठीक ठाक पोजीशन होने वाली है। अब हम चलते हैं इनकी शेयर होल्डिंग में, और मेन मुद्दे की जो बात है, ये बैंक क्यों अट्रैक्टिव लगती है मुझे, आइए देख लेते हैं। देखिए, होल्डिंग तो इनको घटानी पड़ेगी, अभी अपडेटेड वर्जन नहीं है, क्योंकि RBI की तरफ से है, क्योंकि बैंक ही इतनी होल्डिंग नहीं रख सकती, वो घटाएंगे। इस वजह से उन्होंने ग्रह होम फाइनेंस को भी अपने में मर्ज किया हुआ है। FIIs 117 FIIs है, और FIIs ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ की हुई है, ये अच्छी बात है। और इंडिविजुअल्स बहुत कम है, 1.69% के आसपास, और म्यूचुअल फंड्स की भी 17 स्कीम्स ने इसमें पैसे लगा रखे हैं। ये बैंक वही करती है जो अन्य बैंकें भी करती हैं इनको, लेकिन हाँ, HDFC और इन दोनों में अगर हम खासियत देखें तो देखिए, रिटेल बैंकिंग से इनको 85.80, मतलब रिटेल बैंकिंग का ज़बरदस्त है, और होलसेल बैंकिंग ना के बराबर है 1.8%। तो मतलब होलसेल बैंकिंग क्या होता है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ को या फिर बड़े बड़े लोन देना, वो इनका काम नहीं है,
इन्होंने 1,000 लोगों को लोन दिया, 2 लोगों से पैसा अगर नहीं आया तो इनका कुछ डूबने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने 10 इंडस्ट्रीज़ को लोन दे दिया 1,000 करोड़, और 2-3 इंडस्ट्रीज पैसे वापस नहीं है, डूब गई, तो फिर इनका NPA बढ़ जाता है। तो इस वजह से इस बैंक में बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी इसका प्राइस है, तो अगर हमें कोई नीचे के लेवल पे अगर ये मिलता है तो ज़रूर लंबे समय के निवेशक इसमें घुसे रहें भाई। आने वाले फ्यूचर में बंधन बैंक बहुत ज़बरदस्त कमाल करने वाले हैं, ये आप मान के चलिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप डेटा मैंने आपको दिखा दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, HDFC ने इस पर भरोसा जताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो इस वजह से ये बैंक मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है 1-1.5 साल पहले। तो देखिए यहाँ पे इसलिए 1 साल के रिटर्न से दिख पा रहे हैं, 1 साल में जिन्होंने पैसे लगाया था 23% के आसपास का रिटर्न, ईयर टिल डेट में 11% के आसपास, 6 मंथ में 35% के ज़बरदस्त रिटर्न हैं, और 3 मंथ्स में भी 28% के रिटर्न हैं, 1 मंथ में 6% के आसपास, और 1 वीक में भी 10% के आसपास का रिटर्न, 1 डे में भी 8.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बेहतरीन बैंक है, और मैं ज़रूर इस पर चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करके कि भाई किस लेवल पे लेना चाहिए आप चाहें तो। हाँ, रिटेल निवेशक होने की वजह से जैसे होता क्या है कि अगर आप SIP कर रहे हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको लेना ही है, तो आप किसी भी समय ऐसे स्टॉक्स को थोड़े थोड़े लेते जाइए। तो जो लोग SIP के तहत लेते हैं, वो चाहे मार्केट नीचे जाए, शेयर प्राइस नीचे जाए, तो अगर आप रेगुलर बाइंग करते हैं तो वो एवरेज हो जाता है, और उन लोगों को कभी भी घाटा नहीं होता। लंबे समय के निवेशक इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहिए। अच्छी बैंक है, ज़बरदस्त बैंक है। तो मैं आज अपने वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो दोस्तों, एक अच्छी बैंक है, आप बने रहिए।